हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम ये एनालाइज करेंगे कि कैसे नेशनलाइज्ड बैंक अलग होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक से, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स में क्या फर्क होता है, और बेसिकली स्मॉल बैंक्स क्या होते हैं और पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं। हर चीज को डिटेल में एनालाइज करेंगे इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा भी बैंकिंग एंड अवेयरनेस के बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक्स वाई एक्सिस एजुकेशन की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेशनलाइज बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक जो होते हैं इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। देखो, मान लीजिए कोई एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक मान लीजिए प्राइवेट बैंक है, ठीक है। अब आपको पता ही है कि हमारे देश में नेशनलाइजेशन हुआ था इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी। तो मान लीजिए कोई भी एक प्राइवेट बैंक है, तो प्राइवेट बैंक क्या होता है, जिसकी ओनरशिप किसी भी एक प्राइवेट एंटिटी या प्राइवेट पर्सनैलिटी के हाथ में होती है। अब मान लीजिए ये प्राइवेट बैंक है, ये कुछ भी कारण की वजह से, मान लीजिए लॉस या कुछ भी रीजन की वजह से, सरकार को ये लगता है कि इस बैंक को नेशनलाइज कर देना चाहिए। अब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि सरकार इस बैंक को या फिर जो भी प्राइवेट एंटिटी थी उसको एक पेमेंट दे देगी और बोलेगी कि इस जो बैंक है इसकी मैनेजमेंट अब से गवर्नमेंट देखेगी, ठीक है। यानी सरकार जब किसी प्राइवेट बैंक को खरीद लेगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, यानी कोई भी प्राइवेट बैंक जब रहा होगा, ठीक है, उस प्राइवेट बैंक को सरकार ने जब खरीदा होगा, जब सरकार किसी प्राइवेट बैंक को खरीदती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेशनलाइजेशन, और उस बैंक को हम क्या बोलते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक। अब पब्लिक सेक्टर बैंक क्या होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जो शुरू से ही सरकारी बैंक है, यानी शुरू से ही क्या है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो जो बैंक शुरू से ही गवर्नमेंट बैंक है उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक बोलते हैं। तो ये एक डिफरेंस था नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक के बीच में, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तीसरे तरह के बैंक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कोऑपरेटिव बैंक क्या है, देखो अक्सर जब हम किसी भी बैंक में जाते हैं, अपने शहर में आपने बैंक देखे होंगे, ठीक है, बड़े बड़े बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, तो ये तो हो गए नॉर्मल बैंक। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, देखो कोऑपरेटिव बैंक क्या होते हैं, मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, यानी मान लीजिए 15 बंदों का ग्रुप या फिर 10 बंदों का ग्रुप। अब इस ग्रुप ऑफ पीपल ने क्या सोचा कि हम मिलके एक बैंक को खोलेंगे, ठीक है। अब इन्होंने बैंक खोल लिया, अब इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए 10 बंदे थे, सबने 1 करोड़ रुपीस मिलाए और 10 करोड़ रुपए से एक बैंक को खोल लिया, ठीक है, एक फंड से अपने बैंक को खोल लिया। ये लोग क्या, इनका मेन पर्पस क्या था बैंक को खोलने का, इनका मेन पर्पस ये था कि ठीक है 10 करोड़ रुपए हमारे पास रिवेन्यू खड़ा हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए इनमें से 10 बंदे थे और पहले बंदे को 50 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, तो ये बंदा इस फंड में से पैसा ले सकता है, ठीक है, और इस फंड में ही दोबारा इंटरेस्ट के साथ पैसा रीपे कर देगा। यानी और दूसरी चीज क्या थी, इनका मेन मकसद क्या था, जैसे मान लीजिए आप जब रूरल एरियाज में जाएंगे ना, तो वहां खेतीबाड़ी से जुड़े जो लोग होते हैं उनकी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, इंटरेस्ट। जब वो लोग लैंडलॉर्ड से पैसा लेते हैं तो बहुत, मान लीजिए आप 24% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे उनको रीपे करना पड़ता है। तो इस हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए जो ये बैंक्स थे, इनका मेन एजेंडा ये था कि ये जो गांव में लोगों को प्रॉब्लम है, किसान लोगों को, उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कोऑपरेटिव बैंक का इंट्रोडक्शन हुआ। यानी एक मिनट, इन्होंने क्या सोचा कि ठीक है हम एक बैंक की फॉर्मेशन करेंगे, इस बैंक से जो है हम अपने लिए भी पैसा यूज कर सकते हैं, साथ में जो गरीब क्लास है, यानी या फिर आप कहिए कि जो किसान खेती बाड़ी से जुड़े लोग हैं वो भी यहां से सस्ते रेट पे कर्ज लेंगे तो उनकी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के जो बैंक्स हैं उनको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। अब कोऑपरेटिव बैंक में एक चीज ये भी कही जाती है कि जो एम्प्लॉय है यानी जो मेंबर है वही उस बैंक के क्या है, कस्टमर भी है, ठीक है। तो और ये तो है ही है, मेंबर तो एम्प्लॉय जो है वो ही कस्टमर है, ठीक है, और वो ही एम्प्लॉय है, वही मेंबर है, ठीक है। इसके अलावा बाहर के लोग भी इस बैंक से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बाहर के भी कस्टमर और हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जो कोऑपरेटिव बैंक है वो बेसिकली तीन पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला क्या है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरी प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी जो है वो बिल्कुल रूरल लेवल पे है, दूसरी कौन सी है, सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और तीसरी है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये है स्टेट लेवल पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को, ठीक है। जो ये प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी है ये बेसिकली बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे है, यानी कि बिल्कुल रूरल लेवल पे, ठीक है।
इसके अंदर अगर आपको बैंक खोलने के लिए लाइसेंस चाहिए तो आप किसको अप्रोच करोगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ठीक है। और इसकी जो मैनेजमेंट है, यानी अगर मान लीजिए कुछ भी इशू होता है बैंक के साथ, तो वो सारा का सारा मैनेज कौन करता है इसको? रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। यानी जो रजिस्ट्रार होता है, ये रजिस्ट्रार बैठता कहां पे है? आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो आपको लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है उसके अंदर ही एक ऑफिस मिला बना मिल जाएगा आपको रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ठीक है। तो बेसिकली इसकी जो फंक्शनिंग है वो कौन देखता है? आरसीएस, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जो लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो आपको किसको अप्रोच करना पड़ेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। सेकंड है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अगर हम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी कि अगर बात करें तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इसके अंदर अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अप्रोच करना होगा। उसके अलावा जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो तो इसकी जो है मैनेजमेंट देखता ही है, साथ में फंक्शनिंग में आ जाता है नाबार्ड, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर अगर पूरे के पूरे तीनों देखा जाए तो तीन लोग इसको प्रॉपर जो है इसको कंसीडर करते हैं कि जो इसकी फंक्शनिंग है उसको कौन कौन देखता है। तो इसको देखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी और नाबार्ड। इसी तरह से जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, अब मान लीजिए कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ठीक है। ये सारी की सारी सोसाइटीज मिलके किसको रिपोर्ट करती हैं? स्टेट लेवल की कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, ठीक है। इसकी फंक्शनिंग भी सेम है, लाइसेंस चाहिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, साथ में फंक्शनिंग जो है नाबार्ड और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो रजिस्ट्रार है वो इसकी फंक्शनिंग को देखता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या होते हैं? ऐसे बैंक जिसकी सारी की सारी जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में रहती है? प्राइवेट एंटिटी के हाथ में। वो हो सकता है आप भी हो, मैं हो सकता हूं, मैं भी खोल सकता हूं, या फिर हो सकता है कि कोई एक ग्रुप मिलके भी प्राइवेट बैंक को खोल सकता है, ठीक है। इसके अंदर क्या रहेगा? पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में रहेगी? एक प्राइवेट एंटिटी के हाथ में। और इसको गवर्न कौन करेगा? पूरा का पूरा जो बैंक है, ठीक है, ये रहेगा किसके अंडर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर। यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज रहेंगी वो इस बैंक को फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगला कौन सा है? फॉरेन बैंक। देखो फॉरेन बैंक क्या है, जब कोई बाहर कंट्री से का कोई व्यक्ति भारत में बैंक खोलना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए वो सारा निवेश करता है, पैसा देता है, तो जो इसका ओनर है वो कौन है? फॉरेनर है, ठीक है। भारत का पैसा लगा हुआ है इस बैंक के अंदर, ठीक है। तो पैसा कहां है? एफडीआई की फॉर्म में, या फिर भारत का पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे बैंक, लेकिन इसको भी प्रोसेस किसके फॉलो करने पड़ते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ही फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे बैंक को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन बैंक बोलते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक में क्या फर्क है, ठीक है। देखो स्मॉल बैंक की अगर मैं बात करूं ना, तो इस बैंक में आप सिर्फ और सिर्फ इस बैंक के अंदर आप डिमांड और टाइम डिपॉजिट दोनों करा सकते हैं। अब डिमांड और टाइम डिपॉजिट क्या है? देखो डिमांड डिपॉजिट होती है जो पैसा आप सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में रखते हो, ठीक है। इसको डिमांड डिपॉजिट क्यों बोला गया? यानी जब आपका मन करेगा आप अपनी डिमांड पे इस पैसे को वापस निकाल सकते हो। जैसे सेविंग अकाउंट है तो आपको एक एटीएम कार्ड दे दिया जाएगा, आप कभी भी एटीएम से पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जब आप डिमांड करोगे बैंक को पैसा देना पड़ेगा। टाइम डिपॉजिट क्या होती है? जैसे फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। अब फिक्स डिपॉजिट को टाइम डिपॉजिट क्यों बोला गया? क्योंकि ये कैसे खुलती है? 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल की एफडी हो गई, तो ये क्या है? टाइम डिपॉजिट है, ठीक है। तो स्मॉल बैंक में आप जो है डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों ही करा सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप डिमांड डिपॉजिट ही करा सकते हो, यानी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ही ओपन करवा सकते हो कस्टमर, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल बैंक है ना, वो किसको लोन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेसमैन को, लेकिन लार्ज इंडस्ट्रीज को लोन नहीं दे सकता, ठीक है। और अगर मैं पेमेंट बैंक की बात करूं तो ये किसी भी तरह का लोन नहीं दे सकता, लोन तो ये दे ही नहीं सकता, इवन छोटे से छोटा लोन नहीं दे सकता। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर ये लोन नहीं दे सकता तो इसका प्रॉफिट कहां से होगा? तो ये जो भी पैसा है या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, या ट्रेजरी बिल में पैसा लगाता है, या फिर दूसरे बड़े बैंकों को अपना पैसा दे देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन और उनसे इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है। इवन दो ये एक क्रेडिट कार्ड तक भी इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉल बैंक है, ठीक है, ये इनका जो मेन टारगेट कस्टमर रहता है वो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस ही रहते हैं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया, तो बेसिकली सिर्फ छोटे जो उद्योग हैं उन्हीं को ये इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और अगर हम पेमेंट बैंक की बात करें तो पेमेंट बैंक का मेन मकसद क्या होता है कि ठीक है आप जो है बाहर बड़े शहर में काम कर रहे हैं, आपको अपने गांव में पैसा भेजना है, तो ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पैसा भेजना, सेविंग्स करना, सिर्फ और सिर्फ इसका एजेंडा ये होता है। तो ये था एक छोटा सा एनालिसिस डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक के ऊपर। आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी। तो अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।